ओ भाई मजा ही आ रहा हो तेरी कसम यार, चल 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 चल। भाई यार तेने खेच खेच के सारा तेल फूंक दिया को। कोई दिक्कत ना यार, डीजल गिरवा लेंगे तो खेच। आराम तो चला यार 90 की स्पीड पे। पापा जी नमस्ते। पापा नमस्ते। अरे नमस्ते बेटा, कहाँ जा रहे हो सुबह सुबह री? कहीं ना पापा जी, बस ट्यूशन पढ़ने जा रहे। तो धारा ट्यूशन तो 2 बजे को दिखे, यार टाइम कैसे चल दिया जल्दी? ओ मैडम ने थोड़ा जल्दी बुला लिया हमारे। कि जल्दी कदम सुधार कर रहा है क्यों? ना जी, हमारे तो टाइम से जाने का मना, पर मैडम जी के मामा मर गए, ये हमारे वे जाएंगी वो लड्डू लड्डू खाने, तो यहाँ वजह से थोड़ा जल्दी बुलाया। तो जाओ तो फिर, यहाँ क्या कर रहे हो? पापा जी कुछ खर्चा को पैसा वैसे दे देते। अभी तो दिए थारी फीस के पैसा, और किसने पैसा ले होगा संभव वैसू? पापा जी फीस तो थी, पर थोड़ा 5-10 रुपए ऊपर दे देते तो थोड़ा समोसा और खस्ता कचौड़ी खाने का मन आज हमारा। खवा दूंगा अभी खस्ता कचौड़ी। ट्यूशन जाओ, कुछ पढ़ो लिखो भी है, कुछ याद वाद भी है तुम्हें? ना ना पापा जी, सब याद है, ऐसे थोड़ी ना सब याद है, बता नितिन। पापा जी सब याद है एकदम। मैं 2 को पहाड़ सुनाइयो तुम। लो जी अभी सुनाई दे रहे, 2 एकम 2, 2 4, 2 3 6, 2 4, 8, 2 5 10, 2 6 12, 2 7 14, 2 8 17, 2 9 21, 2 2 25। अरे उल्लू का पट्टा 2 2 20 हो कर है। वो तो हमें पता पापा जी, पर पहले हो करो, अब दुनिया थोड़ा आगे बढ़ गई ना, ये हमारे पहाड़े भी आगे बढ़ गए, नई किताब आई है यहाँ साल, तो 2 2 25 होने लगा। अच्छा जी, कहीं ABCD तो आओ को चलेगी? ना ना पापा जी, वो वही अभी A to Z पे ही आ रहा हूँ अभी आजकल, बड़ा ना जब बढ़ेगा हम बता देंगे तुम्हें। अच्छा ठीक है, वैसे ट्यूशन से आके जो नया पहाड़ है ना, तो वहाँ वो भी सिखा दियो, कहीं तेरे पापा कहीं इंसल्ट हो जावे। ठीक है पापा जी। अच्छा कुछ पैसा दे दो तुम्हें। लो मौज लो, खूब दावत करियो जिक्के। ठीक है बाबा जी, नमस्ते बाबा जी। ठीक है नमस्ते। मस्ताने मस्ताने, ओ मस्तानी मस्तानी। अरे कौन है? ओहो भैया नमस्ते। अरे आराम से क्या छाती चढ़ेगा हमारी, घनी जल्दी में दिखे। अरे भैया बात छोड़ो, तुम्हें बताओ क्या करना है? अरे कुछ ना, ट्यूशन चल रहे, चल यार। भैया जी ट्यूशन के चक्कर में घर ना आओ करो, पापा पता चल गई मारे हैं। और जब इतने डर लगे तो चलना ट्यूशन, तो चलो ना, तो कॉपी वॉपी तो ले ले। अरे हम पढ़ लेकर तो वैसे ही, तो ऐसे ही चलो। आता अरे यार मेरी बात तो सुन लो, खटका मटका के दोहरे तो फोन कर लो। सही कह रहा हो यार, उनसे पूछ लो, ऐसा अकेले मन नहीं लगने को। कॉल आ रही भाई, भाई मेरे दिल की कॉल आ रही है। उठा। हाँ भाई, कहाँ है तू? पुस्ता पे हूँ भाई मैं तो। मटका कहाँ है भाई? मेरी गैल है। तो ट्यूशन में चल रहे तुम? नो भाई, हम ना जा रहे ट्यूशन, हमें तो ट्यूशन की फीस मिल गई, हम तो दावत करेंगे। तो भाई यार हमें बुला ले। तो भाई तुम बल्लूवर के ट्यूबवेल पे पहुँचो, हम अभी आ रहे हैं समोसा लेके। ठीक है भाई, आ जाइए, ट्यूशन बाद में चलेंगे अब। ठीक है ठीक है भाई, चल प्रशांत जल्दी चल। भाई खटका मटका, ट्यूशन की फीस मिल गई घर से, अभी दावत करने कह रहे हैं, चल रहे फटाफट बल्लू के खेतन पे और समोसा मारेंगे आज। आ जल्दी खटका, ला मेरा समोसा दे। प्रशांत अगर तेने अपनी ट्यूशन की फीसों में दावत दी है ना, चाहे अगली बार पापा के पौवा बेचने पड़े तो समोसा जरूर खवाऊंगा मैं। और खटका तो एक बात बताऊं, तू जो है ना अगली बार फीस के पैसे तो हमें दावत दियो मत दियो, लेकिन एक फेस वॉश जरूर ले लियो। भाई फेस वॉश तो मैं ले आऊंगा, मगर मैं ट्यूशन चेंज करूंगा यार, ट्यूशन में कोई लौंडिया ही ना हो यार। तेरी गंदी शिकल देख के तो कोई से ट्यूशन में लौंडिया सेट ना हो। तेरी शिकल ऐसी तो देख के सेटिंग भी ना करने की। और ये बकरा कितना हंस रहा है, या कि शिकल देख के भी ऐसा लगा जैसे मैं की आवाज आ रही हो। और ये देख मस्तानी कितना राजी हो रहा, ऐसा लग रहा जैसे हैंगर पर कच्चा सूख रहा हो। और तुम सारे सारे मेरे दुले देख लो, ऐसा लग रहा जैसे गली में मोमोज बेचता हो। देख कितना राजी हो रहा, मैं तो मोमोज बेका जैसा लग रहा हूँ, और यू ऐसा लगे मोमोज घना फ्राई कर दियो काला पड़ गयो। अरे ओ भाई बल्लू वाले दिखे, भागो तुम यार, रोज की रोज पानी गंदा कर दो, रुक जाओ तुम, तुम्हें मैं बताऊंगा अभी। ओ भाई बल्लू आओ, भाग ओ भाग, मारे गयू ओ पापा सु कह देगा, भागो यार, चल चल जल्दी चल। अरे नाश पिट्टू, थारा नाश हो जा, पूरा पानी गंदा कर दिया, रुक जा, थारा बाप को फोन कर रहा है अभी। हम काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं हम तेरे तेरे। हाँ बल्लू,
चाचा राम राम। राम राम बेटा, राम राम। बता कहाँ हुआ? अरे हुआ तो कुछ ना चाचा, थारे बालकन ने परेशान कर रखा। मेरे बालकन ने कहा कर दिया अब क्वेर। अरे चाचा कुछ ना हुआ, थारे बालक रोज होद पे आ जा और होद का पानी खराब कर जा। इतम यू बताओ, मारी लेबर कौन सा पानी पीवेगी? अरे तेरे लेबर के मुँह में दे दूंगा पानी की बोतल। अरे चाचा तुम तो अपने बालकन की ओट लेने लग रहे, जी भी तो थारे बालक बिगड़ रहे हो। अरे उल्लू का पत्थर मैं ओट यहाँ मारे ले रहा हूँ उनकी, क्योंकि तेरी होद पे कोई और बैठा होगा। मेरे बालक तो ट्यूशन को गए। अरे कहीं ट्यूशन व्यूशन न गए, यही डोल ले। तेरे बालक भी भग के गए मेरे सामने से। अच्छा मैं देखू इन्हें, पूरा का पूरा कुनबा ही खराब है। सारे में नोम खराब कर रहा है मेरे सारे में। ओ मैडम जी, अरे मैडम जी कहाँ हो? हाँ जी, आप कौन? मैडम जी मैं हूँ नितिन मृदुल का पापा। अच्छा अच्छा भाई साहब, कैसे हो आप बताओ? मैडम जी साहब तो कह लियो, लेकिन भाई मत कहिए, बहुत ज्यादा दिल से बुरा लगे हैं वो। हाँ जी बोलिए। बालक कौन छत पर पड़ रहे हैं, नीचे पड़ रहे हैं कहीं? अरे वो तो अभी आए नहीं। आए नहीं है मतलब? अरे 2 बजे का टाइम है ना उनका, तो अभी क्या करेंगे आके? ए, मैडम जी मौसु तो बेदू कह रहे हैं कि मैडम ने 1 बजे बुलाया। मैडम कहीं जा रही है, वाकई मामा मर गया और कुछ होगा? अरे कौन मामा और किसका मामा? अरे मैडम धार मामा मर गया तो मैं बताई ना अभी तक। अरे मेरा तो कोई मामा ही ना है। और का मेरे बालक झूठ बोल रहे हैं मौसु? थारे बालक तो मैं उल्लू बना रहे हैं। फिर ये बालक गए कहाँ? जी हाँ तो आए ना। अच्छा वो छोड़ो, आप ये बताओ आपकी टांग ठीक है? मेरी टांग में कहा हो तो? अरे आपकी टांग टूट गई थी ना। हमसे कुछ ने कह दी मेरी टांग टूट गई? पर बच्चे तो कह रहे थे कि आप अस्पताल में भर्ती हो, 5 दिन ट्यूशन नहीं आएंगे वो। अच्छा तो कह दी ट्यूशन ना आए वे? 3 दिन से ट्यूशन नहीं आए हैं। अच्छा तो ये भी हो रहे, घर से तो रोज ट्यूशन निकल जा वे, और फीस भी पूरी ले जा रहे पूरे महीने की। फीस? आप फीस भी देते हो ना? और का तुम फ्री में पढ़ा रही हो? अरे लेकिन वो तो कह रहे थे कि हमारे पापा जी फीस ही नहीं देते, पौआ पी के पड़े रहते हैं। अच्छा जी, पिछले 8 महीने से मेरे पास एक चवन्नी भी नहीं आई है आपकी। ये बालक घने ही भी हो रहे, मैं बदनाम कर रहा हूँ इन बालकन ने। अच्छा एक काम करो, आप अपना व्हाट्सएप का नंबर दो, जैसी कोई दिक्कत हो करे ना तो गैल स्टेटस लगा ले करो, आई मिस यू। मैं गैल भगा जा करूंगा यहीं को। अजी व्हाट्सएप तो ना चलाती मैं। तो मैडम जी मैसेंजर पे मैसेज कर लियो फिर। हाँ ठीक है, मैं आपको मैसेंजर पे मैसेज कर दूंगी। अब मैं इन बालकन से निपट लूं तन्नक। ठीक है राम राम जी। राम 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 राम। एक तो तुम इतने लेट आओ, और ऊपर से तुमने अपने पापा से कहा गई कि मैडम जी के मामा मर गए, उन्हें मामा घर जाना है। सॉरी मैडम जी। रे बेवकूफो, मेरे तो मामा ही ना है। मैडम चाचा तो है? हाँ है चाचा, बता कहा करेगा। ठीक है मैडम जी, तो अगली बार चाचा की आएंगे। रैपे इतने मारूंगी ना, घर तक ना रुकोगे तुम। नीचे बैठो। मैडम जी नीचे क्यों बैठे, जब हमारे द्वारा कुर्सी है तो? एक काम करो, यहाँ बैठ जाओ मेरी खोपड़ी पे। मैडम नीचे। ठीक है मैडम। पढ़ना लिखना तो होता ना है तुम्हें, बस ये टाइम फोड़ने और कुर्सी तोड़ने आ जाओ। किताब निकालो अपनी। अरे मैडम जी बाहर ही तो निकाल रखी, कौन सी भीतर रखी है? हाँ बस जुबान लड़वा लो अपने बड़न सू। रे थमजा थमजा, थूक लगा के पलटे ही जा रहा, कहाँ जाएगा? बस मैडम जी पहुँच गो, पाठ 12 पे आना पहुँच गो। अच्छा तो नू बताओ, कल मैंने कहा याद करने को कही तुमसे? मैडम जी कल तुमने समाज के विज्ञान याद करने कही। अच्छा ठीक है, तो मैं तुमसे सामाजिक विज्ञान के कुछ क्वेश्चन पूछूंगी, तुम्हें उनके जवाब देने हैं। चल रहे तू बता, दहेज प्रथा किसे कहवे? मैडम जी दहेज प्रथा एक बहुत ही अच्छा सामाजिक कार्य है, जिसमें लड़के को बहू के साथ साथ फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कूलर, लोटा, चम्मच, गद्दा, सोफा सारा सामान मिलता है, जिससे घर भर जाता है और घर के सभी लोग प्रसन्न हो जाते हैं। और जिनका अच्छा बजट होता है उन्हें शिफ्ट मिल जाती है, और जिनका और अच्छा होता है उन्हें स्कॉर्पियो मिल जाती है। अरे ओ पागल, दहेज प्रथा हमारे समाज के लिए बहुत हानिकारक है। यासु लौंडिया कबाब लॉस में चला जावे, तुम्हें कुछ पता भी है? क्यों मस्तानी, तू बता, तेरी तो 2 बहनें ही ना, ब्याह कराना तेने उनका? हाँ मैडम जी तुम एकदम सही कह रही हो, हमने अपनी सबरी बुकरियाँ बेच के अपनी बहन को ब्याह करो है, तभी तो मेरे पापा ट्यूशन की फीस नहीं भर पाए रहे, और जेक माए तो आज तक घाटा में आए हम। सुन लो कुछ, यही मारे मैं कह रही हूँ, दहेज प्रथा हमारे समाज से बंद होनी चाहिए। अरे मैडम जी ऐसे कैसे बंद हो जाएगी, नितिन के ब्याह में स्प्लेंडर बुक हुई पड़ी है। अरे मैडम जी मैं बिना स्प्लेंडर का ब्याह ना करने का हूँ, चाहे भाऊ मिले ना मिले। भाऊ का क्या करेंगे, स्प्लेंडर चलाने को तो मिलेगी कम से कम। सही बात है भाई। अच्छा जी बड़े तेज हो रहे हो,
और अगर बंद करनी भी है तो हम दोनों के ब्याह के बाद बंद कर दियो, हमारी दो बहनें हैं, कुछ देना ही ना पड़ेगा। हमको कुछ है ही ना देने को, बस ले सके हम तो। एकदम परफेक्ट बात कह रहे हैं भैया जी। ओहो, वैसे तो गणित में कुछ ना आता, लेकिन दहेज में कहा लेना वहाँ का पूरा हिसाब कर रखा तुमने। चलो दूसरे क्वेश्चन बताओ। पूछ लो मैडम जी, कोई दिक्कत ना, पूरा सामाजिक ज्ञान भरा पड़ा हमें। अच्छा जी, तो नितिन तू बता, अरेंज मैरिज और लव मैरिज में क्या फर्क है? मैडम जी, लव मैरिज में हम जो है ना अपनी सेटिंग अपनी बाबू से ब्याह कर सके बस, जहाँ हमें सामान ना मिलेगा, और अरेंज मैरिज करने से हमें सामान तो सारा मिल जाएगा लेकिन बहू काली पीली मिल सके, यही हमारा लव मैरिज इज द बेस्ट मैरिज। पर हम दोनों अरेंज मैरिज करेंगे क्योंकि हमें तो सामान चाहिए, बहू का क्या करना। बिल्कुल सही कह रहा मैडम जी, बिल्कुल सही कह रहा हूँ। देखो तो सही, ब्याह के नाम पे कितने राजी हुए पड़े, बूढ़े बिजार हो गए, पढ़ना लिखना आता ना है, ऐसे ना हो रहा तुम्हारा ब्याह, लव मैरिज करेंगे। अरे खटका, तू कुछ याद करके आया या ना? मैडम जी, आपने याद करने को भी कही कुछ, मैं तो भूल गो। भाई तू जिंदगी में करना क्या चाह रहा है? मैडम जी, मेरा तो एक ही सपना, मिस्त्री बनने को। अच्छा जी, ऐसा कहाँ देख लिया तूने मिस्त्री में? मैडम जी, मैं जब भी मिस्त्री ने देखूँ ना चिनाई करते हुए, मेरा जी करे उनकी कन्या छीनूं और चिनाई करता ही चला जाऊं, करता ही चला जाऊं, और लंबे जूता पहन के लेंटर करने का तो मजा ही अलग है। रे कोई तो कुछ ढंग का कर लो, इतना पढ़ाने के बाद भी तुम्हें मिस्त्री बनना है? हाँ मैडम जी, तुम सही कह रहे हो, जब पढ़ाई लिखाई कोई फायदा ही ना हो तो जाऊँ मैं घर? अरे चुप बैठे रहो, जब तक फीस ना आ जाती ना कोई कहीं ना जाएगा, वरना खा लूं देड़ दूंगी मैं एक एक की। अरे मटका, तू बता तेरा कुछ करने का मन है या फिर इन्हीं गैल डोलता रहेगा? मैडम जी देखो, वैसे इनकी गैल डोलने का भी एक अलग ही मजा है, लेकिन मैडम मेरा ना घूमने फिरने में ज्यादा मन लगे, यही मारना मैंने सोच रखी है, मैं रेल में ना गर्मा गर्म चने बेच करूंगा और फ्री में घूमता भी रहूंगा यही बहाने, और मैडम मैंने यह चीज की प्रैक्टिस भी कर रखी है, एक गर्मा गर्म मसाले वाले चने 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 चने। वाह बेटा वाह, कितने बड़े बड़े सपने हैं थारे, दिल खुश कर दिया तुमने। गलती तुम्हारी नहीं है, गलती तो मेरी है, जो मुझे पता है कि तुम पागल हो फिर भी तुम्हें माथा मार रही हूँ मैं। देवस्तानी तू बता। अरे मैडम जी, हम तो ना पूछो कछु, हम अपनी बुकरियां संगे खोस हैं और हमारी बुकरियां हमारे संगे बहुत खोस हैं, हमें नहीं करने कछु। भैया जी, तो तू यहाँ आवे क्यों है? अरे करण का जो दो लोग हमें लिवाए लाते हैं, इनको मन नहीं लगा तो चले जाते हैं, और ये ट्यूशन टासन हमें समझ नहीं आता। ये तो अपनी जिंदगी खराब कर रहे हैं, तू भी करेगा? मैडम जी, रोज शाम को 100 ग्राम पनीर खाते हैं, ज्यादा ज्यादा अच्छी जिंदगी का हुई है। बस चुप बैठा रहे, आज मुझे तुम सबकी पता चल गई कि तुम कितने काबिल हो, फीस तुम्हें देनी नहीं, पढ़ाई तुम्हें करनी नहीं, तुम करोगे कहा? और तुम दोनों, तुम्हारे पापा तुम्हें फीस दे के भेजे ना, तुम यहाँ जमा क्यों ना कराते? ना मैडम जी, ऐसा कुछ भी ना, हमारे पापा तो झूठ बोले हैं। झूठिया हमारे पापा एक नंबर के। अरे मुझे ना पता तुम झूठिया, तुम्हारा बाप झूठिया, मुझे बस इतना पता है कि अगले हफ्ते पेपर हैं, और जो बालक फीस लाएगा उसे ही मैं वे क्वेश्चन बताऊंगी जो पेपर में आएंगे, अब तुम देख लो तुम्हें पास होना या फेल। मैडम जी, मैं लाऊंगा बीच, मैं और नितिन अपनी बीच जमा करा देंगे, कोई दिक्कत ना, पर एक काम करूं मैडम, अभी जो है ना पापा अस्पताल में भर्ती है तो थोड़ा घर हो आवे, जल्दी छुट्टी कर देती आज। फिर झूठ बोल रहा, सुधार दूंगी तुझे, अपने बाप को तो बीमार मत कर अपने चक्कर में। अच्छा पता पड़ेगी तुम्हें? अरे मुझे एक एक की पता है, तेरा बाप आया सवेरे यहाँ को और तुम्हारी सारी हरकतें बता के गया हूँ, तुम कितने बदतमीज हो रहे हो, निकले यहाँ से। ठीक है मैडम जी, नमस्ते। नमस्ते मैडम जी। नमस्ते मैडम जी, पाव ले रे पाव। चले जाओ यहाँ से। और फिर क्या बता रही हूँ मैं, पिछले 8 महीने की फीस लेके आई हो, वरना शक्ल मत दिखाइयो अपनी, एक एक फेल कर दूंगी मैं। प्रशांत यार, थोड़ी सी शर्म कर ले करो, वो मैडम रोज की रोज पेशान कहती रहे पर तुम्हारा दिमाग खाने में लगा रहा है यार, फीस जमा कर दे करो बाकी। एक तो भाई पूरी फीस के मैं तुम्हें तो समोसा खवा दूं, और ऊपर से ताने और मार रहे हो, और वैसे तुमने कितनी फीस जमा कर दी? तू हम झुका ले भाई, तू अपनी फीस जमा करना, और सुन एक समोसा खवा दिया तो एहसान क्या दिखा रहा, देख मस्तानी एक समोसा के पीछे कितना इतरा रहा हो यार, जब मारो का उतना ढंग है। अरे सबसे ज्यादा समोसा तू ही खा रहा, तू बैठ रहा, तू की फालतू बोल रहा। अरे ओ भाई पापा आ लिए, ओ भाई पापा यहाँ क्यों आ रहे हैं, मो लग रहा पता पड़ गई दिखे। अरे नाना पता था कुछ ना पड़ी होगी, वैसी डोल रहेंगे सेटिंग एटिंग करने के चक्कर में, कोई दिक्कत ना मैं मिल लूंगा, रुक जा। अरे कहाँ घूम रहे हो तुम, कहीं ने पापा जी हम तो ट्यूशन से आए घर को जा रहे हैं। अरे मैडम तू कहाँ कह रहे, पापा की टांग टूट गई, पापा अस्पताल में मरती है यार, टांग में आज भी इतनी जान, अगर कहीं मार दी ना तो 3 दिन तक उठ ना पाएगा वो। नाना पापा जी मैडम झूठ बोल जाएंगी, हम तो बैठे ट्यूशन पढ़ रहे, मैडम में जुकाम हो रहा, नुनू कर रही तो हमारी छुट्टी कर दी मैडम ने। मैं करवाऊंगा थारी छुट्टी। ओ भाई भागो जल्दी। अरे तू कहाँ जा रहा? अरे भैया तुम हमें पकड़ रहे, हमें तो छोड़ो यार। अरे तमा तमा घर जाकर बताऊंगा, पहले इन दोनों से निपट लियो।
राम राम जी, कैसे सारे भाई। तो भाई अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक तो करना ही पड़ेगा, और कैसी लगी है या कुछ कमेंट में लिख के बताना पड़ेगा, और जब अगर अच्छी लगी है तो शेयर तो करनी पड़ेगी क्योंकि किसी और भी अच्छी लग सके, और फिर सब्सक्राइब तो हमारे करना पड़ेगा क्योंकि यू अच्छी लगी है तो अगली वाली भी अच्छी लगेगी, तो हमारे सब्सक्राइब भी जरूर करें। और दोस्तों अभी हम आए अपने ट्यूशन में पढ़ के, तो हमारी मैडम हमें जो है ना अच्छा ना पढ़ाती। अगर तुम्हारे गाँव में कोई अच्छा सा मास्टर कोई टीचर हो ना जो हमें बढ़िया से पढ़ा सके तो बताने को तुम्हें बताइए, हमारे इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, हमें जाके बताओ कौन बढ़िया पढ़ा सके। लिंक डिस्क्रिप्शन में पढ़ो, जाके बताओ कोई गाँव में बढ़िया सी मैडम हो तो हमें बता दीजिए, हम भी ट्यूशन लगा लेंगे तुम्हारी। गलती है। राम राम जी।